डियर स्टूडेंट, प्रतियोगिता संसार में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा अध्ययन विषय है प्रादेशिक नियोजन और विकास। इस विषय के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन। हमारा जो क्वेश्चन है वह है प्रादेशिक नियोजन का अर्थ, परिभाषा तथा विषय क्षेत्र अथवा प्रकृति का वर्णन कीजिए। आज हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। इस क्वेश्चन के आंसर में सबसे पहले देखेंगे हम प्रस्तावना, यानी कि प्रादेशिक नियोजन की प्रस्तावना, फिर देखेंगे प्रादेशिक नियोजन का अर्थ परिभाषा, इसके बाद उसका विषय क्षेत्र। तो चलिए देखते हैं प्रादेशिक नियोजन की प्रस्तावना के अंतर्गत क्या क्या लिखना है, क्योंकि विदाउट प्रस्तावना के यदि हम आंसर लिखते हैं तो हमें एग्जाम में पूरे मार्क्स नहीं मिल पाते। प्रादेशिक नियोजन नवनिर्मित विषय है जो लगभग एक शताब्दी पुराना, यानी कि लगभग 100 साल पुराना है। आर्थिक विकास हासिल करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों ने विभिन्न समय पर अलग अलग स्तर में नियोजन किया है, यानी कि ग्रामीण स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर, इस प्रकार से अलग अलग स्तर में योजनाएं तैयार की, जिसे आज हम प्रादेशिक नियोजन के नाम से जानते हैं। अमेरिका द्वारा विकास नीति के एक हिस्से के रूप में पहली बार क्षेत्रीय स्तर पर प्रादेशिक नियोजन किया गया था, जब उन्होंने 1916 में टेनेसी वैली अथॉरिटी की स्थापना की थी। यानी कि विश्व का जो प्रथम क्षेत्रीय स्तर पर प्रादेशिक नियोजन था, यह योजना कौन सा था, 1916 में तैयार किया गया टेनेसी वैली अथॉरिटी, जो कि अमेरिका का है। यह जो योजना है यह दक्षिण पूर्वी अमेरिका के लिए तैयार किया गया था, जो कि दक्षिण पूर्वी अमेरिका में वृहद स्तर पर पुनः निर्माण कार्यक्रम था, यानी कि विकास कार्यक्रम था, जिसमें दक्षिण पूर्वी अमेरिका के 7 राज्य और उसके कुछ हिस्से शामिल थे। इस योजना का जो प्राथमिक उद्देश्य था वह था बाढ़ नियंत्रण, मृदा संरक्षण, बिजली उपलब्ध करवाना। यह 3 इसका मुख्य उद्देश्य था। इस 3 उद्देश्य के साथ साथ ही इस अथॉरिटी निर्दिष्ट क्षेत्र यानी कि योजना क्षेत्र में कई अन्य गतिविधियाँ यानी कि योजना भी सक्रिय थे, जैसे कि औद्योगिक विकास, वन निर्माण, वन्य जीव संरक्षण, शहरी नियोजन, सड़क निर्माण और खेती के अच्छे तरीकों को प्रोत्साहित करना, मलेरिया नियंत्रण, ये सभी गौण जो योजना कार्य है वह भी सक्रिय था। अमेरिका का यह प्रादेशिक नियोजन यानी कि योजना अपने लक्ष्य पर बहुत ही ज़्यादा सफल रहा, जो कि कई देशों के लिए आदर्श और प्रेरणा बना। आगे चलकर यह जो प्रादेशिक नियोजन है यह 1948 में दामोदर वैली कॉरपोरेशन के नाम से भारत में भी प्रारंभ हुआ तथा घाना में वोल्टर रिवर प्रोजेक्ट आदि बने। यहीं से प्रादेशिक नियोजन का शुभारंभ हुआ। यह है आपका प्रादेशिक नियोजन की बहुत ही बढ़िया सा प्रस्तावना। तो अब आगे हम देखते हैं प्रादेशिक नियोजन का अर्थ। प्रादेशिक नियोजन के प्रस्तावना के अध्ययन के बाद अब हम अध्ययन करेंगे प्रादेशिक नियोजन के अर्थ तथा परिभाषा। प्रादेशिक नियोजन राष्ट्रीय योजना का अभिन्न अंग होता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय इकाई और राष्ट्रीय इकाई को एक समूह में बांधने का प्रयास करता है। प्रत्येक देश को कुछ प्रदेश में विभाजित करना संभव है, और यह प्रदेश जो है वो राष्ट्रीय इकाई के अनुरूप भी हो सकता है और राष्ट्रीय इकाई से अलग भी हो सकता है, यानी कि खंड इकाई के रूप में। प्रादेशिक नियोजन का यही कार्य होता है कि वह प्रत्येक प्रदेश की विकास की संभावनाओं का पता लगाए और विकास के लिए हमें रणनीति का सुझाव दे, ताकि हम उस प्रदेश के लिए सही योजना तैयार कर सकें और योजना के उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। अब हम देखेंगे प्रादेशिक नियोजन की अर्थ और परिभाषा। यह हो गया उसका छोटा सा परिचय। प्रादेशिक नियोजन के अर्थ परिभाषा को समझने से पहले हमें प्रदेश का अर्थ व नियोजन के अर्थ को समझना आवश्यक है, क्योंकि प्रादेशिक नियोजन जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, वह है प्रदेश और नियोजन। तो चलिए पहले प्रदेश का अर्थ देख लेते हैं, फिर नियोजन का अर्थ देखेंगे। प्रदेश पृथ्वी तल पर वह इकाई क्षेत्र है जो कि विशेष लक्षणों के कारण अपने समीपवर्ती अन्य क्षेत्रों से अलग समझा जाता है, वह क्या है, प्रदेश कहलाता है। अर्थात किसी क्षेत्र के प्राकृतिक सांस्कृतिक समरूपता के आधार पर परिभाषित क्षेत्र प्रदेश है। यह हो गया प्रदेश के अर्थ। अब देखेंगे नियोजन। नियोजन का अर्थ है किसी निश्चित उद्देश्य के लिए की गई क्रियाएं यानी कि कार्य। दूसरे शब्दों में नियोजन प्रबंधन का वह कार्य है जिसमें लक्ष्यों का निर्धारण करने तथा उन्हें प्राप्त करने हेतु की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं को शामिल किया जाता है।
इसके अंतर्गत यह निश्चित किया जाता है कि क्या करना है, कब करना है और किसके द्वारा किया जाना है। इन सभी प्रश्नों के बारे में निर्णय लिया जाना ही नियोजन कहलाता है। यह हो गया प्रदेश और नियोजन का अर्थ। अब हम देखेंगे प्रादेशिक नियोजन का अर्थ और परिभाषा। प्रादेशिक नियोजन की अर्थ। प्रादेशिक नियोजन विकास के क्षेत्र में उत्पन्न प्रादेशिक असंतुलन को कम करने का प्रयास करता है तथा क्षेत्र में विद्यमान प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों के समुचित दोहन व उपयोग हेतु मार्गदर्शन देता है। यह हो गया प्रादेशिक नियोजन का एक छोटा सा अर्थ। भूतत्व पर कोई भी क्षेत्र या प्रदेश सामाजिक आर्थिक विकास में पूर्ण रूप से समरूप नहीं होता, यानी कि एकरूपता नहीं पाया जाता। इसलिए अलग अलग देशों में विकास की जो सामाजिक आर्थिक विषमता देखने को मिलती है। उदाहरण के तौर पर हमारे भारत को ही ले लेते हैं, क्योंकि हमारे भारत में सामाजिक आर्थिक विषमता बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। प्रादेशिक नियोजन में एक देश को समरूप प्रदेश में विभाजित किया जाता है तथा वहाँ उपलब्ध संसाधनों के अनुसार समस्त विकास योजना तैयार की जाती है। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। पी सेन गुप्ता के अनुसार प्रदेश के प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों का पूर्ण विकास करने के लिए प्रादेशिक नियोजन एक सुनियोजित प्रयास है। यह उसके अनुसार प्रादेशिक नियोजन का अर्थ है। अब देख लेते हैं प्रोफेसर इनायत अहमद तथा देवेंद्र कुमार सिंह के अनुसार प्रादेशिक नियोजन का अर्थ या परिभाषा। प्रादेशिक नियोजन दृढ़ प्रादेशिक उपागम के आधार पर पृथ्वी के किसी हिस्से के आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए योजनाएं बनाने का कार्य है। ये प्रोफेसर इनायत अहमद और देवेंद्र कुमार के अनुसार हो गया। अब देखेंगे क्लाउडिया पेटिट के अनुसार। प्रादेशिक नियोजन का विषय क्षेत्र। प्रादेशिक नियोजन चिंतन एवं क्रियाकलाप की व्यापकता में समय के साथ काफ़ी परिवर्तन और विस्तार हुआ है। इस संदर्भ में ग्लासन तथा मार्सन ने लिखा है कि वर्षों से जिसे हम प्रादेशिक नियोजन मानते आए हैं उसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ है तथा प्रादेशिक नियोजन का विविध स्तर एवं प्रकार है। वर्तमान में प्रादेशिक नियोजन अनेक योजनाओं का मिश्रण है। बहुसंख्यक प्रदेश प्रादेशिक नियोजन को दो कोटियों में स्वीकार करते हैं। एक है अंतः प्रादेशिक नियोजन, यानी कि एक प्रदेश के अंदर का योजना, और दूसरा है अंतर प्रादेशिक नियोजन अथवा खंडीय नियोजन, यानी कि दो या दो से अधिक प्रदेश के मध्य योजनाएं तथा एक निश्चित प्रदेश के लिए योजनाएं। जैसे कि हमारे भारत में है जनजातीय क्षेत्र योजना, पर्वतीय क्षेत्र योजना, सूखा क्षेत्र योजना, इस प्रकार। वर्तमान समय में प्रादेशिक नियोजन के विषय क्षेत्र। वर्तमान समय में प्रादेशिक नियोजन पूर्ण स्वतंत्र विकसित हुआ है। वस्तुतः प्रादेशिक नियोजन क्षेत्र विशेष के सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित है, इसलिए इसके अध्ययन क्षेत्र में वे सभी तथ्यों को शामिल करते हैं जो प्रादेशिक नियोजन को प्रभावित करते हैं। इसके विषय क्षेत्र को निम्न शीर्षक में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है आर्थिक विकास नियोजन। प्रादेशिक नियोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अध्ययन विषय है आर्थिक विकास नियोजन। इसलिए इसके अंतर्गत आर्थिक विकास की विभिन्न चरण आते हैं, उनको प्रभावित करने वाले प्राकृतिक, मानवीय, तकनीकी कारकों का अध्ययन इसमें सम्मिलित है। इसके साथ ही आर्थिक विकास के विभिन्न प्रकार के मॉडल, उनका प्रयोग आदि तथ्यों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। फिर सेकेंड है प्राकृतिक संसाधन नियोजन। प्राकृतिक संसाधन नियोजन में सभी प्रकार का विकास, चाहे वह आर्थिक विकास, कृषि, उद्योग, परिवहन व वाणिज्य हो, अथवा सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि, या कोई अन्य विकास हो, संसाधनों के बिना संभव नहीं। इसीलिए प्रादेशिक नियोजन में प्रारंभ से ही प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग पर बल दिया जाता रहा है। यदि उनका नियोजित ढंग से उपयोग नहीं किया जाता तो भविष्य में वे उपयोग के लिए अनुपलब्ध हो सकते हैं। प्रादेशिक नियोजन की पहली आवश्यकता यही है कि क्षेत्र के सभी प्रकार के प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों का ज्ञान प्राप्त किया जाए। जो समाप्य संसाधन है उन्हें प्रयोग करते वक्त विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, अतः यह प्रादेशिक नियोजन का विशेष विषय क्षेत्र है। फिर है
सामुदायिक नियोजन। इसके अंतर्गत संबंधित प्रदेश में विभिन्न सामाजिक आर्थिक परंपराओं वाले समुदाय की पहचान करना, प्राथमिकता का निर्धारण और समुदायों के विस्तृत सामाजिक आर्थिक अध्ययन के पश्चात उनके लिए योजनाएं प्रस्तावित किया जाता है। इस तरह समुदायों का अध्ययन उनका उल्लेखनीय पक्ष है। उदाहरण के लिए आदिवासी, दलित, कृषि और औद्योगिक समुदाय का नियोजन। फिर चौथे नंबर पर है मानव संसाधन नियोजन। मानव संसाधन नियोजन मानव संसाधन का विस्तृत विश्लेषण, वृद्धि, प्रजातीय, यौन संरचना, व्यावसायिक संरचना, मानव संसाधन की प्रवृत्ति और उनकी संभावनाता का अध्ययन मानव संसाधन नियोजन में सम्मिलित है। मनुष्य संसाधन के रूप में नियोजन का एक उपकरण बन सकता है। फिर है पांचवें नंबर पर नगरीय नियोजन। नगरीय नियोजन विभिन्न क्षेत्रों के संदर्भ में प्राथमिक अर्थव्यवस्था के रूपांतरण के कारण नगरों का विकास तीव्र गति से हो रहा है। नगरों की समस्याएं ग्रामीण समस्याओं से अलग है। नगरों में जनसंख्या संकेंद्रण की समस्या, आवासीय समस्या, प्रदूषण व स्वास्थ्य, नगरीय परिवहन, नगरीय व्यवसाय व उद्योगों का विकेंद्रीकरण तथा नगरीय प्रभाव प्रदेशों का अध्ययन नगरीय नियोजन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामीण नियोजन। अल्प विकसित एवं विकासशील देशों में ग्रामीण नियोजन अति आवश्यक है, जिस पर उस देश की भावी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास एवं भौतिक प्रगति निर्भर करती है। ग्रामीण नियोजन वह है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त अभाव, समस्याओं, बुराइयों का पूर्ण रूप से निराकरण किया जाता है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है पर्यावरण नियोजन। प्रदेश विशेष के संदर्भ में मानव और प्रकृति के अंतर संबंधों के परिणाम स्वरूप पर्यावरण ह्रास की समस्याएं खड़ी हो रही है। इसीलिए पारिस्थितिकी संतुलन, विभिन्न प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण के कारकों का निवारण, मानवीय कार्यों का पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से पुनर्व्यवस्थापन आदि सभी प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है भूमि उपयोग नियोजन। प्रादेशिक नियोजन की विषय वस्तु के अंतर्गत भूमि उपयोग नियोजन को भी शामिल किया गया है, क्योंकि वर्तमान में विश्व की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, जिससे अनेक समस्या उत्पन्न हो रही है, जैसे कि खदान की समस्या। इन समस्याओं के निराकरण हेतु भूमि उपयोग नियोजन आवश्यक है। अब चलिए देख लेते हैं जो प्रादेशिक नियोजन है उसके विषय क्षेत्र का जो निष्कर्ष है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि प्रादेशिक नियोजन क्षेत्र विशेष में व्याप्त पर्यावरण के संदर्भ में मानव समाज को इस प्रकार व्यवस्थापन करने का प्रयास है जिससे वर्तमान और भविष्य के संदर्भ में भी मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ ही साथ क्षेत्र का भी विकास होता रहे। इसलिए प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत मानव समाज और पर्यावरण के सभी अन्य अध्ययन के विषय बन सकते हैं। तो ये हुआ आपके प्रादेशिक नियोजन का विषय क्षेत्र, अर्थ, परिभाषा, प्रस्तावना सभी कंप्लीट। स्टूडेंट, आप सभी से हमारा एक निवेदन है कि जिस प्रकार हम आप सभी के लिए मेहनत कर आप सभी तक आपकी स्टडी मटेरियल पहुंचा रहे हैं, उसी प्रकार आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें ताकि हमें भी कुछ प्रॉफिट प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।